Good afternoon, students. Today we will study about the princess and the pea. Can you see a princess over here? Can you see a little pea over here? Yes, let's read. Once upon a time, a prince wanted to marry a princess. एक समय की बात है जब एक प्रिंस एक प्रिंसेस से मैरी करना चाहता था. बट शी हैड टू बी अ ट्रू प्रिंसेस, मगर उसे एक सच्ची प्रिंसेस चाहिए थी. सो ही ट्रैवल्ड अराउंड द होल वर्ल्ड टू फाइंड वन. सो इसलिए वो सारे वर्ल्ड में घूमा और फिर कि उसे एक True princess mil jaye. There were lots of princes, bahut sari princes thi, but he could not find out if they were true princes. Magar unme se use koi true princess nahi dikhi. So he returned home feeling very sad. Isliye wo apne ghar wapas aa gaya bahut hi udaas feel karte hue. One night there was a dreadful storm. एक रात एक बहुत बुरी घटना हुई. There was thunder and lightning and it rained very hard. It was very scary night. बहुत तेज आंधी और तूफान चल रहा था, बिजली कड़क रही थी, पानी बरस रहा था और बहुत ही स्केरी नाइट थी, डरावनी नाइट थी. देयर वॉज नॉकिंग हर्ड एट द पैलेस गेट. तभी पैलेस के गेट में एक नॉक सुनाई दिया. नाउ हु कुड बी आउट ऑन सच अ नाइट एज दिस. अब ये सोच रहे थे कि इतनी स्केरी नाइट में, डरावनी नाइट में कौन आया होगा. थॉट द ओल्ड किंग सर्वेंट एज ही वेंट टू ओपन द गेट. ओल्ड किंग के सर्वेंट ने ये बात सोची और जब वो गया गेट खोलने. देयर स्टूड अ प्रिंसेस आउटसाइड द गेट. और जैसे ही वो गेट खोला एक प्रिंसेस खड़ी हुई दिखाई दी. बट ओह शी लुक्ड So sad. But princess बहुत sad लग रही थी. Water trickled down her from her hair and her clothes were wet and dirty. पानी की बूंदें उसके ऊपर से गिर रही थी और उसके clothes बहुत wet और dirty थे. गंदे कपड़े पहना था उसने. Oh please help me. I am princess Sugarplum. प्रिंसेस ने बोला प्लीज़ हेल्प मी. सर्वेंट से बोला कि प्लीज़ हेल्प मी, मैं प्रिंसेस शुगर पाम हूँ. शी क्राइड आउट आई लिव ऑन अदर साइड ऑफ द माउंटेन. प्रिंसेस ने बताया रोते हुए कि वो माउंटेन के उस पार रहती है, पहाड़ के उस पार रहती है. माउंटेन मीन्स पहाड़, पहाड़ के उस पार रहती है. एंड द विंड ब्लू मी हियर. और उसको हवा के झोंके ने लेकर इस पार आ गया. नाउ आई कांट फाइंड माई वे टू माई फादर्स पैलेस. अब वो उसको रास्ता नहीं पता है कि वो अपने पापा के पैलेस पे कैसे जाए. द किंग सर्वेंट टुक हर टू द एंड. किंग के सर्वेंट ने टुक हर टू द किंग. किंग के सर्वेंट उसे किंग के पास ले गया. ऑफ कोर्स वी विल हेल्प यू माय चाइल्ड सेड द काइंड ओल्ड किंग. द ओल्ड किंग वाज काइंड इन नेचर. ओके किंग ने बोला हाँ जरूर हम सब तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम यहाँ पर रह सकती हो. द क्वीन हैड अ वंडरफुल आइडिया. क्वीन को एक बहुत बढ़िया आइडिया आया.
We shall soon find out if she's real princess. क्वीन ने ये जानने के लिए कि वो रियल प्रिंसेस है एक आइडिया सोचा. थॉट द ओल्ड क्वीन, शी डिड नॉट से अ वर्ड ऑफ व्हाट शी वाज गोइंग टू डू. ओल्ड क्वीन ने सोचा बट उसने अपने मुंह से बोला नहीं कि वो क्या करने जा रही है. शी वेंट इनटू द स्लीपिंग रूम. ओल्ड क्वीन प्रिंसेस को लेकर, प्रिंसेस शुगर पाम को लेकर अपने रूम में जाती है, स्लीपिंग रूम में. टुक ऑफ ऑल द बेड क्लोथ्स एंड लेड अ पी. उसने सारी बेड क्लोथ्स को निकाल के एक पी को नीचे रख दिया. ऑन द बेडशीट के नीचे रख दिया. कैन यू सी अ पी ओवर हियर? इट्स ओवर हियर, राउंड वन. यस. देन शी पुट 20 मैट्रेसेस ऑन टॉप ऑफ द पी. उस पी के ऊपर उसने 20 मैट्रेसेस रख दिए. ओके, कैन यू सी द क्वीन शुगर पाम ओवर हियर? प्रिंसेस, दिस प्रिंसेस सिटिंग ओवर हियर एंड दिस पी इज down. Who kept this pea? Yes, this old queen put this pea over here to find that she is true princess or not, but she haven't told her. The queen showed Sugar Palm where she was going to sleep. Queen ne Sugar Palm ko bataya, princess Sugar Palm ko bataya ki use कहाँ सोना है. ओह माय, आई विल नीड अ लेडर टू क्लाइम दैट, शी सेड. प्रिंसेस शुगर पाम ने कहा कि मुझे तो एक लेडर की ज़रूरत पड़ेगी, एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं क्लाइम करके ऊपर चढ़ सकूं. अ लेडर वॉज ब्रॉट इन, एक सीढ़ी लाई गई. आई फील आई एम ऑन अ क्लाउड. प्रिंसेस शुगर पाम अपने आप को फील कर रही थी कि वो क्लाउड पे बैठी हैं. सेट प्रिंसेस शुगर पाम फ्रॉम ऑन द टॉप ऑफ द मैट्रेसेस. प्रिंसेस शुगर पाम ने बोला कि मुझे क्लाउड जैसा फील हो रहा है मैट्रेसेस के ऊपर बैठ के. हाउ मेनी मैट्रेसेस? 20. यस राइट. वेल स्वीट ड्रीम्स प्रिंसेस, said the queen as she left the room. Old queen ने कहा sweet dreams princess को, और फिर वो room छोड़ के चली गई. The next morning at breakfast, the queen asked princess Sugar Palm if she had slept well. अगले दिन breakfast के time ओल्ड क्वीन ने प्रिंसेस शुगर पाम से पूछा क्या रात भर उसे अच्छी नींद आई. ओह, आई एम अफ्रेड नॉट, रिप्लाइड प्रिंसेस शुगर पाम. प्रिंसेस शुगर पाम ने कहा नहीं, मुझे डर नहीं लगा. प्रिंसेस शुगर पाम, आई स्केरी क्लोज्ड माय आईज ऑल नाइट. बट कुछ हार्ड सा फील हो रहा था ऑल नाइट, जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद करी. आई डोंट नो व्हाट वाज इन द बेड, मुझे समझ नहीं आया कि मेरे बेड में आखिर है क्या. आई ले ऑन समथिंग सो हार्ड दैट माय होल बॉडी वाज ब्लैक एंड ब्लू. मुझे ऐसा लगा कि समथिंग बहुत हार्ड पे सो रही हूँ और मेरी बॉडी पूरी ब्लैक एंड ब्लू हो गई. My father will think I was beaten up by a wicked witch. मेरे पापा सोचे कि मुझे किसी wicked से मार पड़ी है. It's dreadful, the pea threw the 20 mattresses on a true princess could be soft and delicate. ये बहुत बुरा था
ये बहुत बुरा था, बट उस लेडी को लगा कि ये रियल प्रिंसेस है। शी हैड बीन फीलिंग द लिटिल पी, उसे वो लिटिल पी महसूस हो रहा था उस 20 मैट्रेसेस के नीचे, और सिर्फ ट्रू प्रिंसेस उस चीज़ को महसूस कर सकती थी। सो शी वॉज थिंकिंग दैट शी इज़ अ ट्रू प्रिंसेस। द क्वीन वॉज श्योर शी हैड फाउंड अ रियल प्रिंसेस। ओल्ड क्वीन को ये लगा कि उसने रियल प्रिंसेस पा ली है। सो द प्रिंस मैरिड हर हैप्पीली। लास्टली प्रिंस ने उससे मैरी कर लिया। एंड द पी वॉज पुट इंटू द रॉयल म्यूजियम, और उस पी को रॉयल म्यूजियम में रखा गया। बिकॉज इट हेल्प द क्वीन डिस्कवर अ ट्रू प्रिंसेस, बिकॉज उसने क्वीन को हेल्प किया था डिस्कवर करने के लिए कि प्रिंसेस असली प्रिंसेस कौन है, क्या ये असली प्रिंसेस शुगर पाम है कि नहीं।